हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, मजा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जोधा अकबर सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा कि जो जलाल है वो आगरा पहुंच चुका है और रुकैया के पास शायद जा ही रहा है। तो उसका जो इस्तकबाल हो रहा है वो काफी एक बढ़िया तरीके से हो रहा है। पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा लोग होते थे, उन लोगों की क्या लाइफ होती थी यार, क्या ऑरा होता था उन लोगों का। मतलब तुम जा रहे हो, तुम्हारे अगल बगल सब सैनिक खड़े हैं, पीछे तुम्हारे मंत्रीगढ़ चल रहे हैं, आराम से तुम्हारे फॉलो कर रहे हैं, तुम्हें कोई चीज की रोक नहीं, कोई चीज की टोक नहीं, जो चीज पे तुमने हाथ रखा वो चीज समझो तुम्हारी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी भी देरी के। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई है? ये गुप्त सुरंग दिखाने, ताकि अगर युद्ध में हमारी पराजय हुई तो उन मुगल भेड़ियों से बचने का हमारे पास केवल यही एक रास्ता रह जाएगा, और ये रास्ता हमको आमेर के बाहर तक ले जाकर छोड़ेगा। और फिर? फिर हमारे पास केवल दो रास्ते होंगे, एक हमारा नसीब और दूसरा जौहर। नहीं भाभी साहब, अब आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी विजय होगी और अवश्य होगी, और हमारी यही सोच हमारे योद्धाओं की तलवार की धार बनेगी। और अब बापू साहब अकेले भी नहीं है, उनकी मदद के लिए भानपुर भी हमारे साथ है। अरे भाभी साहब, क्या हुआ आपको? भाभी साहब पेट से है जोधा। सच? हम अभी जाकर भाई साहब को बताते हैं, वो सुनकर कितने खुश होंगे। नहीं नहीं जो, क्यों नहीं भाभी साहब, ये तो आमेर के लिए कितना बड़ा अवसर है। राजा भारमल के यहाँ पोता होगा, मासा और बापू साहब भी सुनकर कितने खुश होंगे। हम अभी जाकर घोषणा करवाते हैं। जोधा नहीं, अभी नहीं। क्या आप इतनी बड़ी खुशी की बात छुपाना क्यों चाहती है? अब भाई साहब तो इस बारे में जानते है ना? सही समय आने पर उन्हें भी बता देंगे। तो फिर अभी क्यों नहीं भाभी साहब? क्योंकि अभी हर जगह युद्ध के नगाड़े बजते सुनाई दे रहे हैं, और ऐसे में अगर उन्हें ये पता चला कि हम पेट से हैं, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। ऐसे माहौल में हम औरतों को उस त्याग के लिए तैयार रहना होगा। सिर्फ त्याग के लिए ही बनी है? वो देखिए हमीदा बेगम जलाल को सेवैयां खिलाने आ रही। यह अक्सर फॉर्मे का होता है। हाँ हाँ, वही तो हैं, हमीदा बेगम ही तो आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। आगरा में वापसी मुबारक हो जलाल, ये हमारे लिए बहुत खुशियों का वक्त है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। गुस्ताखी माफ। आप मुंह मीठा कर सकते हैं। आप मलिका आजम का हाथ कैसे रोक सकती हैं महामंगा? आपने मलिका आजम की नियत पे शक किया? गुस्ताखी माफ हो मलिका आजम, हम आपके इरादों पर शक नहीं कर रहे हैं। सेवा या बावर्ची खाने से आई है, शहंशाह की सलामती हमारा फर्ज है। आप कहना क्या चाहती हैं? मरियम अक्कानी जलाल को? हमने कहा हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम बस अपना शक दूर कर रहे हैं। और अगर वाकई इसमें जहर होता तो क्या होता?
हमारी सांसें हमारे शहंशाह के नाम कुर्बान हो जाती है। हम खुद की भी इतनी फिक्र नहीं करते हैं जितनी आप हमारी फिक्र करते हैं। अब हम ये सेवैयां सिर्फ आपके हाथों से पिएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर हम माँ हैं तो आप भी तो दाई माँ हैं। औरत से बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। ऐसा आप कह रहे हैं वकील सल्तनत? बलाएं लेकर जहर देने वाली है यह औरत। चश्मे-ए नूर खुशबूए हुस्न जो आपके दिल और दिमाग को मदहोश कर दे, ऐसा है ये त्रिशंचा। हाय सुभान अल्लाह। रुकैया के दिल और सल्तनत आगरा में आपका इस्तकबाल है शहंशाह। ये सब क्या है रुकैया? खेल जो आप अधूरा छोड़कर चले गए थे। बहुत जिद्दी हैं आप। वो तो हैं। एक तो औरत, दूसरी जवां, तीसरी मुगलिया सल्तनत के शहंशाह की दिलो जान। जिद हमारा हक है, अब हारने के लिए तैयार हो जाइए। आखिरी चाल हमने चली थी, अब आपकी बारी। ये चाल मतवाली नहीं, मात वाली थी शहंशाह। क्या करें, आपने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अब हार तो तय है आपकी। जानते हैं आप कि जब बचपन में पहली बार खान बाबा ने हमारे हाथों में शमशीर थमाई थी, तब क्या पूछा था हमसे कि हम सबसे पहले किसे मारेंगे? और हमने कहा हमारी शिकस्त को, ताकि वो फिर हमें दोबारा ना मिले, क्योंकि हमें हारना बिल्कुल पसंद नहीं। पर हमें जीत पसंद है, इसलिए तो दिल हार कर जीत लिया था आपको। ये लीजिए, देखते हैं आज कौन किसे मात देता है। कमाल की चाल चली आपने। आपके साथ इतनी बड़ी फौज थी, लेकिन सबकी आंखों में धूल झोंक कर आप इतने दिनों के लिए कहां गायब हो गए, किसी को पता भी नहीं चला। आ, 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 आ,
खामोश क्यों हो गए? कोई नई चाल सूझ रही है या तो फिर चोरी पकड़ी गई, इसलिए हैरान है। अब तुमसे क्या छुपाना, क्योंकि हम एक शौहर और बेगम से ज्यादा एक अच्छे दोस्त हैं। हम आमेर गए थे, फ्रेंड्स वीडियो खत्म हो गया। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और यहाँ पर जो महामंगा ने किया जलाल की माँ के साथ वो काफी गलत बात है कि अपना ओहदा ऊंचा करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना। और हालांकि वो सीधी हैं, वो कुछ बोली नहीं तो उनका भी ओहदा कम नहीं है और इसलिए भी नहीं बोली होंगी क्योंकि जलाल उनसे ज्यादा महामंगा को मानता है। अब ये क्यों है और क्या कारण है इसके पीछे वो तो आने वाले ही एपिसोड्स में पता लगेगा, लेकिन जो मेरा अंदाजा है वो ये कहता है कि जलाल को इन्होंने पाला होगा, इसी वजह से जलाल इनको ज़्यादा मानता है महामंगा को। और ये क्यों नहीं पाल पाई या क्या कारण था वो तो खैर मुझे नहीं पता, वो आने वाले एपिसोड्स में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी ये बात काफ़ी गलत है कि कोई भी माँ अपने बेटे को नहीं मारेगी, कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो चीज़ उन्होंने ऑलरेडी जांच ली होगी, परख ली होगी, तब जलाल के पास वो चीज़ लेके आई होंगी। और वहीं बैरम खान तो कुछ ज़्यादा ही भयभीत लग रहा है महामंगा से कि इनसे बच के रहो नहीं तो अपना बना के काट लेगी पीछे से। सो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा। फ्रेंड्स चलते हैं फिलहाल के लिए, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा।